नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृष राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कैसा इनका व्यवहार होता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, वृष राशि वाले जातकों का स्वभाव और उनका व्यवहार। सबसे पहले तो वृष राशि के बारे में जानते हैं कि जो वृष राशि होती है ये पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, सम राशि है, पृष्ठोदय राशि है, स्त्रीलिंग की राशि है। इस राशि का जो वर्ण है वैश्य होता है और इस राशि की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। वृष राशि वाले जातकों में बहुत सहनशीलता होती है, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, इनमें बहुत धैर्य होता है, इन लोगों में बहुत स्थिरता पाई जाती है। ये लोग किसी भी निर्णय को लेने से पहले बहुत विचार विमर्श करते हैं। ऐसे लोग अपनी बात के धनी होते हैं। इन लोगों को एक जगह पर बैठकर काम करना पसंद है। इन लोगों के काम करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वह बहुत स्लो होती है, कम होती है। ये लोग रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इस राशि के जो लोग हैं उनका जो कद है वो मध्यम कद होता है। ये लोग थोड़े गोल मटोल होते हैं, इनका चौड़ा और सुदृढ़ माथा होता है, इनकी जो नाक, गाल और होंठ आकर्षक होते हैं, इनकी जो गर्दन है वो मोटी और गठी हुई होती है, बाल काले होते हैं, वर्ण इनका श्याम होता है। ज़्यादातर ये लोग खेती संबंधी कार्यों में संलग्न होते हैं। अगर किसी मेल की हम बात करें जो वृष राशि वाले हैं, ज़्यादातर इन लोगों को यंग जो लड़कियां हैं उनके साथ रहना बड़ा पसंद है। ये चाहते हैं कि इनकी यंग गर्लफ्रेंड्स हों। वृष राशि वाले त्याग और क्षमाशील प्रकृति के होते हैं। इनकी कमर, चेहरे और दोनों बगलों में तिल या मत्स्य होते हैं। और अगर वृष राशि की जातक कोई फीमेल है तो वह बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। वृष राशि के जो जातक हैं वो लेखक, प्रकाशक, पत्रकार, सत्य प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध होते हैं और ये अपनी भावनाओं से कभी बंधे नहीं रहते। ये लोग व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर नर्वस होने की शिकायतों से ये परेशान रहते हैं। इनकी जो स्मरण शक्ति है और इनकी कल्पना शक्ति इन्हें कभी भी धोखा नहीं देती। अपनी भोगी प्रवृत्ति के कारण ये ज़्यादातर अपनी वृद्ध अवस्था में यौन रोगों के शिकार हो जाते हैं, पर अगर ये अपने आप का कंट्रोल करें, आप संयम की आदत डालें और जो आनंद प्राप्ति के साधन हैं उनसे बचकर रहें, उनका त्याग करें, तो फिर ये लोग ऐसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वृष राशि वाले जो जातक हैं इन्हें स्वतंत्र रहने की आदत होती है, इनको फ्रीडम पसंद है। कोई इन्हें रोके टोके तो ये नाराज हो जाते हैं। अपनी मस्ती में चूर रहना ज़्यादातर इनको पसंद है। ये लोग जीवन के सारे सुखों को अपने तरीके से भोगना चाहते हैं। अपनी सफलता से सदा असंतुष्ट रहना, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा,
एक निश्चित डर्रे पर जीवन चलाना, परिवर्तन से घबराना, नएपन की चाहत में कमी, खुलकर अपने मन की बात को बताने में संकोच करना, प्रेम में अक्सर धोखा खाना, इनके व्यक्तित्व की कुछ खास बातें हैं। अक्सर इनका जो जीवन साथी होता है वो तन से या मन से शिथिल हो सकता है। अगर ये लोग युवा अवस्था में जैसे 25 या 26 साल की एज में शादी करते हैं तो इनके अक्सर विवाहित जीवन में खलल पड़ने के चांसेस होते हैं। सुस्ती भरा और आलसी स्वभाव और ठीक समय पर निर्णय ना ले पाने की क्षमता में कमी और मुश्किल की घड़ी में इनमें कमजोरी देखी जाती है। अक्सर इनके ननिहाल में पारिवारिक विघटन हो जाता है। अक्सर इनके मामा और नाना की जो संतानें हैं उनमें मनोविकार की समस्या देखी जाती है। इस राशि के जातकों में हेरिडिटरी डिजीजेस वंशानुगत रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग जल्दी उत्तेजित नहीं होते, इनमें बहुत धैर्य होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वृष राशि के जातकों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।